हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट नॉलेज। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है टेंशन फ्री पोर्टफोलियो स्टॉक मार्केट के लिए। तो दोस्तों, आप सोचते रहे कि टेंशन फ्री पोर्टफोलियो कैसे होता है? सब पोर्टफोलियो में तो दिक्कत तो आती ही होगी। यस, आती है, पर अगर आपको चैन की नींद चाहिए और अच्छा प्रॉफिट चाहिए तो उसके लिए आपको टेंशन फ्री पोर्टफोलियो चाहिए ही चाहिए। चलो शुरू करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला पॉइंट है वो है इन्वेस्ट। कहाँ पे इन्वेस्ट करना है? जब आप स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हो या आप पुराने प्लेयर हो, अगर आपको टेंशन फ्री पोर्टफोलियो चाहिए ही चाहिए, तो वो हिसाब से आपको चैन की नींद चाहिए, तो आपको वो हिसाब से आपको सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको एक सबसे बढ़िया कंपनी में इन्वेस्ट करना होगा। जैसे मैंने स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाया हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्री। सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, रिलायंस इंडस्ट्री नहीं है, और बहुत सारे लार्ज कैप पोर्टफोलियो है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके चैन की नींद सो सकते हो। मीन इसका मतलब ये है कि जब आप गुड कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो, एग्जांपल देता हूँ, रिलायंस है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, निफ्टी फिफ्टी के जो कंपनीज़ है, एशियन पेंट्स है, ब्रिटानिया है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ये बहुत बड़े मार्केट कैपिटल वाले ये है। अभी आप रिलायंस में ही देख सकते हो, आपको दिख सकता है, अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मार्केट कैपिटल आप देख सकते हो इसका कितना हो गया है, 12,48,608,608 करोड़ मार्केट कैपिटल है इसका। बाकी का भी आप सब देख सकते हो, इसके अंदर 52 वीक हाई, 52 वीक लो। इसका पी रेशियो देख लो आप क्या चल रहा है, इसका फेस वैल्यू देख लीजिए, बुक वैल्यू देख लीजिए। इसका जो भी है वो आपको जितने भी अच्छे कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे तो उसमें आपको अच्छा रिटर्न ही मिलेगा, और आपको रात को चैन की नींद भी आएगी, और आपको बैठे बैठे आपका पैसा इंटरनली बढ़ते जाएगा। समझो एग्जाम्पल, अगर आपने आज 100 रिलायंस ले लिए, 100 ICICI ले लिए, HDFC ले लिए, कुछ भी निफ्टी विफ्टी के जो भी टॉप कंपनीज है उसमें आपने कुछ को ले लिया, आपको लेके सिर्फ छोड़ देना है और आपको टाइटली बैठ जाना है कि बाबा अभी अब मैं 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में इसको देखूंगा भी नहीं, तो आपको 100% इसमें आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। और ये इन्वेस्ट इन गुड गुड कंपनी मीन जो निफ्टी फिफ्टी के लार्ज कैप है, जिसका मार्केट कैपिटल 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख करोड़ के ऊपर है, उसमें ही आपको इन्वेस्ट करना है। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, आपको फंडामेंटल्स देखने हैं। फंडामेंटल्स मीन्स क्या? जैसे मैंने आपको स्क्रीन में दिखाया, रिलायंस का मार्केट कैपिटल है, इसका आपको रिजल्ट भी देखना है। कंसिस्टेंटली रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट कैसा आ रहा है, कंपनी में कोई दिक्कत तो नहीं है, या कंपनी में कुछ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, या कुछ प्रमोटर या फिर कोई जो कंपनी का मालिक है उन्होंने उनके शेयर गिरवी तो नहीं रखे हैं। ये फंडामेंटल्स हो गया। अगला पॉइंट है चार्ट पैटर्न। दोस्तों, ये है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न इसे बोलते हैं, मतलब जब से ये शेयर चालू हुआ है, आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, यहाँ से ये शेयर लिस्ट हुआ था और इसका जो चार्ट है आप देख सकते हो डायरेक्ट ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। मतलब मीन्स थोड़ा बहुत नीचे आया है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, पर ये तो स्टॉक मार्केट में चलते ही रहता है। थोड़ा बहुत बैड न्यूज़ आया, नीचे आएगा, ऊपर आएगा। जब अगर नीचे ही नहीं जाएगा तो ऊपर कैसे आएगा? नीचे आएगा तो ही ऊपर जाएगा, यही खेल है स्टॉक मार्केट का पूरा। पर इसका आप चार्ट पैटर्न देख सकते हो, ये जो चार्ट पैटर्न लगाया हुआ है ये 5 ईयर्स का है। 5 ईयर्स में मतलब जब पहले कंपनी यहाँ पे थी, अभी यहाँ से ऊपर तक आ गई है पूरी। पर थोड़ा बहुत तो अपडाउन होते ही रहता है, पर इसने ज़्यादा ज़्यादा बड़ा, इसका ग्राफ देख सकते हो आप, कंसिस्टेंटली अप ट्रेंड में ही है। तो अपने को यही चार्ट पैटर्न वाले जो स्टॉक्स है इसी में अपने को इन्वेस्ट करना है। फोर्थ पॉइंट है, इसका रिजल्ट्स देखना चाहिए। बाकी सब कुछ आपको जो मैंने बताया, अच्छी कंपनी देना नहीं होना चाहिए, उसका मार्केट कैपिटल रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए, डिविडेंड अच्छा दे, सब कुछ अच्छा दे, और उसका जो चार्ट पैटर्न है सबसे ऊपर होना चाहिए। बाद में सबसे मेन पॉइंट आता है फिफ्थ पॉइंट, डोंट इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक्स। मीन्स आप छोटे कंपनी में, स्मॉल कैप या पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें, उसमें आप का जो कैपिटल है वो पूरा डूब सकता है, आप बर्बाद भी हो सकते हो। एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये मनी कंट्रोल का ये खोला हुआ है, पीसी ज्वेलर्स का डिटेल्स आप देख सकते हो। दोस्तों, ये जो पीसी ज्वेलर्स कंपनी है, इसका पहले जो शेयर था 3 या 4 साल पहले 600 रुपये में चल रहा था। लोग इनमें इन्वेस्टेड आज भी इसमें इन्वेस्टेड है, और आज आप देख सकते हो उसका रेट क्या चल रहा है, 24.60 रुपीज़। लोग इसमें बर्बाद हो गए। क्यों बर्बाद हो गए? क्योंकि लोगों ने इसमें आग बंद करके पैसा लगाया था, पर उस टाइम इसका फंडामेंटल तो अच्छे थे, पर इसमें लोगों ने उस टाइम भी इसका रिजल्ट्स नहीं देखे। लोगों ने इसका जो प्लेजिंग है शेयर्स का, जो इसके प्रमोटर्स है उसमें गिरवी रखे थे, वो नहीं देखा। आज इनके प्रमोटर्स के ऊपर सेबी ने चार्जेस लगाए हुए हैं। बहुत मीन बहुत दिक्कत है इस कंपनी में। एग्जाम्पल आपको मैं सिर्फ बताया, पीसी ज्वेलर्स जैसे और बहुत सारी कंपनी है। अभी आज का मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं आपको, यस बैंक। अगर गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया था तो यस बैंक भी आज डूब जाता था पूरा। पर आज उसका शेयर क्या हो गया है? आज जो शेयर 350, 400, 500 रुपये का था, आज वो 13, 14 रुपये पे खेल रहा है।
तो इसलिए दोस्तों मैं बताऊँ, और इनके जो चार्ट्स रहते हैं आप चार्ट भी देख लेना, ये डाउन साइड में रहेंगे जैसे मैंने अभी रिलायंस का बताया वैसे अप चार्ट में रहेंगे नहीं, तो अपने को वही देखना है। और सबसे मेन पॉइंट जो है दोस्तों, हमें ग्रीडी नहीं होना है, हमें लालची नहीं होना है। अगर आप लालची हो जाओगे, अगर आपका शेयर, आपका एग्जाम्पल आपने लिया 100 रुपये में और वो 1 साल के अंदर 100 रुपये और बढ़ गया, तो आपको लालची नहीं होना है। अगर आपकी कंपनी अच्छी है, आपका चार्ट पैटर्न अच्छा है, उसके रिजल्ट अच्छे हैं, उसकी रेपुटेशन अच्छी है, उसका मार्केट कैप अच्छा है, तो वो 100% वो 100 का 500 होगा, उसकी ताकत है, तो आपको रुकना है। पर मैं आपको एक मेन बात बता देता हूँ कि इसमें लॉन्ग टर्म मीन्स मेरा जो लॉन्ग टर्म है, जो पहले जो लोग लॉन्ग टर्म खेलते थे मीन्स अपने जो पेरेंट्स है वगैरह उनके ज़माने में, वो लॉन्ग टर्म 10 10 साल तक रखते थे। पर उस टाइम ऐसा भी था दोस्तों कि उस टाइम ज़्यादा फ्रॉड नहीं होते थे, कंपनीज में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती थी। अभी जो आ रहा है, अभी जो कंपनी में फ्रॉड आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग्स हो रही है, उसके हिसाब से आज की तारीख में मैं ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म जो पकड़ता हूँ वो है 2.5 से 3 साल, उसके ऊपर मैं लॉन्ग टर्म पकड़ता नहीं हूँ। आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म में आज भी जो कंपनी 10 साल पहले थी, आज उनका नामो निशान मिट गया है। तो वो हिसाब से ही आप लालच ना करें, आप 2.5 3 साल रुके, 2 साल रुके, वो हिसाब से अगर आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है 100 का, आपको 300 350 400 500 भी हो रहा है शेयर का आपका, तो आप लेके निकल जाए। वो बाकी आपके स्टडीज़ के ऊपर है, आप आपके हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। और सबसे मेन बात 7 पॉइंट दोस्तों है, सबसे मेन बात कि आपको इसमें टॉर्टोइस की चाल चलनी है, जो कछुआ चाल चलता है आपको वैसे ही खेलना है। आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लालच में आके ग्रीडी होके आपको पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करके आपको ज़्यादा क्वांटिटी मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर आप, मैं तो बोलता हूँ आपको, आप लार्ज कैप कंपनी के रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI, ये जो 50-50 के कंपनीज है, अगर आप इसमें स्मॉल क्वांटिटीज भी ले तो आपका अच्छा रिटर्न आपको 1 साल के अंदर मिलेगा ही मिलेगा, 100% बोल रहा हूँ मैं। अगर आप सोचोगे कि मैं सस्ती वाली कंपनी ले लेता हूँ 10 20 50 रुपये वाली, और उसके अंदर मैं क्वांटिटी ले लूँ और वो जल्दी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो सोचना मई दोस्तों वो गलत थिंकिंग है। तो दोस्तों ये जो मेरा टॉपिक था टेंशन बिल पोर्टफोलियो, आपके ये मैंने जो पॉइंट्स भी बताया आप प्लीज़ लिख के नोट करके ले लेना, आपको कभी भी काम को आएंगे। और ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।